अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहली बात के मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स मीन अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। जो भी नंबर दिया जाएगा आपने उसकी प्रोडक्ट करनी है, मतलब उसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। इन द शॉर्ट फॉर्म क्या आपने उसका टेबल लिख देना जहां तक भी कहा जाए। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, इसका पार्ट वन है थ्री, तो आपने मल्टीपल्स ऑफ थ्री लिखने हैं। इट्स मीन आपने थ्री का टेबल ही लिखना है। सो थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री के पास थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व एंड थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन। अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि फर्स्ट फाइव, तो आपने वन टू थ्री फोर फाइव, इट्स मीन कि फर्स्ट फाइव फैक्टर, या ये कह लें कि जो वैल्यू गिवन है उसका टेबल आपने दिए गए मल्टीपल्स तक लिख देना। अगर फाइव फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स हैं तो आपने थ्री के फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स मीन थ्री का टेबल फाइव तक लिखना है। और अगर कहा जाए फर्स्ट सेवन एट नाइन मल्टीपल्स, सेवन मल्टीपल्स फॉर एग्जांपल, तो आपने थ्री का टेबल सेवन तक लिख देना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट टू इसका, डेट इज फाइव। अब मल्टीपल्स ऑफ फाइव मीन्स के फाइव का टेबल ही आपने फाइव तक लिखना है। फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी एंड देन फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव। फिर वही बात के जो वैल्यू दी जाएगी आपने जितने मल्टीपल्स कहेंगे क्वेश्चन में, जितने कहेंगे आपने उतने वहाँ तक उसका टेबल लिख देना। प्रोडक्ट मीन्स उसको मल्टीप्लाई करना, टेबल लिख देना उसका। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो आपने अपनी नोटबुक पर खुद करने हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हमारा स्कूल खुलेगा आपका काम को चेक किया जाएगा। खुदा हाफ़िज़।